सो हे गाइस, कैसे आप लोग। ये वीडियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को भी लास्ट तक देखिए। सो जो पहली न्यूज आ रही है वो आ रही है क्रेजी एक्सवाईजेड की ओर से। क्रेजी एक्सवाईजेड का जो एक्सीडेंट हुआ है, क्या वो फेक है, उसी को एक्सपोज करते हुए सुपर खालसा अपनी वीडियो में कुछ ये कहे। सबसे पहले आप अगर कोई भी वीडियो डालते हो, उसके ऊपर अगर आपने जल्दबाजी में वीडियो डाली है, जो उसका आप टाइटल लिखते हो, टाइटल में इसको बड़े अच्छे तरीके से लिखा गया है कि स्नेक ने काटा अमित भाई को, फिर उसको हिंदी में लिखा गया कि उसकी रीच अच्छे से बढ़ाई जाए ताकि वो वीडियो कहीं लोगों तक पहुंचे ही ना, तो इसलिए उसका टाइटल जो है पहले इंग्लिश में लिखा गया फिर हिंदी में लिखा गया। तो भाई आपके पास इतना टाइम था, आप इतनी जल्दबाजी में थे, उसी टाइम उसको काटा गया था अमित भाई को, आप जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेके गए उसको, तो इतने टाइम में गाड़ी में बैठ के दोनों भाई रो रहे हैं, साफ फेक एक्टिंग है। तो पहले मैं आपकी आपको ना वीडियो दिखाता हूँ जो ये दोनों रो रहे थे। फिर उसके बाद वीडियो में वो चीज नहीं थी, लेकिन उसका थंबनेल लगाया गया, थंबनेल को अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया, बनाया गया, पूरी स्टोरी थंबनेल में नजर आ रही थी जो टाइटल में लिखा गया था, तो थंबनेल को अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से शूट करके लगाया गया। हालांकि अगर कोई बंदा ऐसे जल्दबाजी में वीडियोस डालता है तो वो थंबनेल टाइटल का ध्यान नहीं रखता, जल्दी जल्दी में वीडियो डाल देता है कि भाई प्लीज प्रे करना। एंड जो नेक्स्ट न्यूज आ रही है वो भी आ रही है क्रेजी एक्सवाईजेड की ओर से। क्रेजी एक्सवाईजेड अपना खुद का अपडेट देते हुए अपने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया, तो आप देखिए उनकी ये शॉर्ट वीडियो। गाइस मैं ठीक हूँ और थोड़ा सा हाँ सर दर्द हो रखा है, बाकी सर भारी हो रखा है और मतलब कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, बट वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे, मैंने सोचा कि एक बार आपको इन्फॉर्म करने के लिए। एंड सो अगली न्यूज आ रही है वो आ रही है ऋषभ पंत की ओर से। ऋषभ पंत का भी हाल ही में आज सुबह 5:30 बजे एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें वो गाड़ी खुद ही ड्राइव कर रहे थे एंड उनको थोड़ी सी नींद की झपकी आ जाती है, जिसके कारण उनकी गाड़ी डिवाइडर में जाकर भिड़ जाती है। एंड अभी तो उनकी कंडीशन स्टेबल है। इसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए काफी सारे इंडियन टीम के क्रिकेटर एंड काफी सारे लोग ट्वीट करते हैं, तो आप देखिए उनकी ये ट्वीट्स एंड आप लोग कमेंट सेक्शन में गेट वेल सून लिख सकते हैं। एंड जो अगली न्यूज आ रही है वो आ रही है सौरभ जोशी की ओर से। सौरभ जोशी की भी अभी कंडीशन थोड़ी अच्छी नहीं है, उनको चिकन फॉक्स हो गया है। वो आज अपनी वीडियो में अपडेट देते हुए कुछ ये कहे। अभी जस्ट उठा हूं मैं, पूरे 3 दिन के बाद, 3 दिन तक मैं इस बेड पे लेटा हुआ था, मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था, पूरी बॉडी पे चिकन पॉक्स आने रखे ना, तो मैंने 3 दिन तक फोन भी नहीं उठाया, मैंने स्क्रीन में देखा, बिकॉज स्क्रीन में देखा तो मेरे सिर में दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है और पूरी बॉडी में जो ये दाने से हो रखे ना, अब देखो काले से हो गए, तो पूरी बॉडी उसमें पेन हो रहा है, खुजली हो रही है, इतना अजीब सा, मतलब 3 दिन तो ऐसे निकले ना, इतने मुश्किल। तो आज मैं थोड़ा बेटर लग रहा है तो मैं उठाऊँ, अभी 3 दिन तक खाना भी खिचड़ी विचड़ी खा रहा हूँ मैं, आज फाइनली रोटी खाने को मिलेगी मेरे को, मैंने मम्मी को बोला रोटी खिला दे यार आज, उस 3 दिन से भाई खिचड़ी हल्का हल्का खाना खा रहा हूँ। एंड जो अगली न्यूज आ रही है वो आ रही है थारा भाई जोगिंदर एंड थगेश की ओर से। थारा भाई जोगिंदर रोस्ट किया थगेश को, आप देखिए उनका ये रोस्ट। एंड वो ऑल्सो बात किए काफी सारे क्रिएटर्स के बारे में जिन्होंने उनको 2022 में रोस्ट किया है। ये लोग मेरे को खुद छेड़ते हैं, मेरे बारे में खुद गलत बोलते हैं, तो भाई मैं कब तक सुनूंगा किसी की बात। तुम लोग जिस बच्चे को रोस्ट करते हो ना, उनके गांव में वाली वीडियो जाती होगी और कोई बच्चा उनके घर पे जाकर उनके माँ बाप को बताता होगा कि आपके बच्चों को इस बंदे ने रोस्ट किया है, पता उसके माँ बाप के दिल पे क्या बीतती होगी। 2022 के अंदर ये पूरी गैंग आ गई थी, इनकी पूरी की पूरी गैंग। अगर मैं चुप रहता ना, इन लोगों ने मेरे को इतना बदनाम कर दिया था, मैं तब निकलता था ना एरिया से, हर बंदा मेरे ऊपर हंसा करता था, मेरी पूरी फैमिली डिप्रेशन में थी। थगेश तेरे को बोल रहा हूँ, कितने व्यूज आते तेरे, तूने अपनी जिंदगी में कितनी वीडियो बनाई आज तक यूट्यूब चैनल पे, सबके व्यू है ना डायरी पे लिख लेना, काउंट कर लेना कितने व्यूज है। मेरी फेसबुक पर है ना 2 वीडियो पर उतने व्यूज मिलेंगे, अबे 200 मिलियन व्यूज आते हैं मेरी फेसबुक वीडियो पर, समझ गया, औकात की बात है। मैं अपनी मम्मी की कसम खा के कह रहा हूँ, इस बार 2022 में तो कुछ नहीं हुआ था, 2023 के अंदर वो सीन कर दूंगा, तुम पूरी जिंदगी याद रखोगे कि हमारे साथ यूट्यूब पर क्या हुआ था। सोच समझ के रहना अगली बार, थगेश तेरे को बोल रहा हूँ लास्ट वार्निंग है, वरना लिया ना अपनी पूरी गैंग, अकेला आऊंगा मार्केट के अंदर। एंड इसी के बाद ये वीडियो वो डिलीट भी कर दिए हैं, वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ ये लिखे। एंड जो लास्ट न्यूज आ रही है वो आ रही है जन्नत जुबेर की ओर से। जन्नत जुबेर जा रही है बिग बॉस 16 में स्पेशल वीक में न्यू ईयर के, वहीं पर उनसे पूछा गया था उनका फेवरेट कंटेस्टेंट, तो आप देखिए उनकी ये क्लिप। क्या होने वाला है बिग बॉस में थोड़ा कुछ, मुझे जाकर प्रीज मिलेगा, अभी तो मैं खुद नहीं पता है, बट न्यू ईयर्स आ रहे हैं तो उसके स्पेशल एपिसोड के लिए हम लोग आए हैं, वेरी वेरी एक्साइटेड टू बी हियर अगेन। लास्ट ईयर फिर मैं न्यू ईयर के टाइम आई थी और आज फिर मैं न्यू ईयर के टाइम आई हूँ। आपके कोई फेवरेट कंटेस्टेंट है? एमसी स्टाइल एंड बस इस वीडियो के लिए इतना ही, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।